हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल। आई एम पल्लवी एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक जो अभी आप मेरे फेस पे देख रहे हैं। गाइज, ये बहुत ही शटल सा ग्रीन आई मेकअप लुक है जो कि रेड लिप्स के साथ बहुत ही अच्छे से जा रहा है, बहुत ही क्लासी लुक दे रहा है। सो आप चाहो तो ये किसी भी पार्टी में क्रिएट कर सकते हो। एंड गाइज, अभी ईद आने वाला है तो आप लोग चाहो तो ये ईद पे भी क्रिएट कर सकते हो, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं। सो अगर आप देखना चाहते हो मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड उसके बगल में जो बेल आइकन है आप उसे हिट करना बिल्कुल ना भूले, वरना मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेंगे। सो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली मैं अपने फेस को अच्छे से प्रेप कर लूंगी एंड उसके लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ टोनर। सो समर सीजन है तो टोनर यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एंड ये गुड वाइब्स का टोनर है। देन मैं यहाँ यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स का सीरम। सीरम हमारे फाउंडेशन को, हमारे बेस को अच्छा खासा लॉन्ग लास्टिंग बना देता है एंड बहुत ही फ्लॉलेस बनाता है। सो ये यूज़ करना बहुत ही अच्छा है एंड इसको लगाने के बाद आपका जो स्किन है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पॉन्स का मॉइस्चराइज़र एंड समर सीज़न के लिए ये मॉइस्चराइज़र बहुत ही ज़्यादा सही है। सो विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर मैं इसे अच्छे से अपने फेस में ब्लेंड कर लूँगी। सो अब हम करेंगे अपने आईब्रो को फिल एंड इसके लिए मैंने लिया है माल्याओ का ये आईब्रो पैलेट। एंड इस पैलेट की सबसे अच्छी बात ये है कि इसके साथ आपको ब्रश भी मिलता है, सो ये बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है। एंड गाइस, मैंने अपने आईब्रो को कैसे फिल किया इसका फुल ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे आया हुआ है, लास्ट वीडियो आईब्रो ट्यूटोरियल पे ही था। तो आपने अगर अभी तक चेक नहीं किया है तो आप जाके चेक करें। सो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। देन इसके साथ जो स्पूली आता है उसकी हेल्प से मैं अपने प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि वो बहुत ही इवनली लगे। देन मैं यूज़ कर रही हूँ सिस ब्यूटी का ये कंसीलर अपने एजेस को अच्छे से शार्प एंड क्लीन करने के लिए। अगर आपको अपना आईब्रो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शार्प दिखाना है तो ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। देन मैं एक स्मॉल स्पंज की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी। देन मैं सेम कंसीलर ले रही हूँ सिस ब्यूटी का एंड इसे मैं अपने आईलिड पे लगाऊंगी क्योंकि अब हम करेंगे आई मेकअप, सो इसलिए। एंड अगर आपको अपना कलर बहुत ही इन्हेंस दिखाना है, बहुत ही अच्छा दिखाना है, सो आपको अपने आईलिड को कंसील करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो अब हम यूज़ करेंगे ये बटन वाइल्ड का पैलेट एंड इसमें से हम लेंगे ये पीची ब्राउन शेड एज अ ट्रांजिशन शेड। इसे मैं अपने क्रीज पे अप्लाई करूँगी विद द हेल्प ऑफ द फ्लफी ब्रश एंड इसे मैं तब तक लगाऊंगी जब तक मुझे मेरा डिज़ायर कलर नहीं मिल जाता। देन मैं सेम पैलेट से ये डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ एंड इसे मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपने क्रीज में अप्लाई कर रही हूँ।
देन मैं सेम पीची ब्राउन शेड लूँगी एंड उसके साथ इस डार्क कलर को ब्लेंड करूँगी। एंड अगर आपको अपना आई मेकअप बहुत ही अच्छा चाहिए ताकि वो बहुत ही क्लासी दिखे, तो आपको अपने कलर्स को अच्छे से ब्लेंड करना है। अगर आप अपने कलर्स को अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे तो वो बहुत ही पैची सा दिखेगा। सो अब हम करेंगे कट क्रीज। सो मैंने फुल कट क्रीज किया है एंड एक ब्रश की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। देन मैं ये आई लव यू पैलेट में से ये ग्रीन शिमरी शेड ले रही हूँ। ये हेनरी रोडा का ड्यूप पैलेट है और ये पैलेट मैंने गलती से ले लिया था गाइस, बट इसकी में जो शिमरी शेड्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, वो बहुत ही अच्छे से काम आते हैं। सो देन मैं यहाँ ले रही हूँ ये स्ट्रेट करकी का आईलाइनर एंड मैं एक शटल सा विंग आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। देन मैं ये हेलेरी रोडा का गोल्डन ग्लिटर आईलाइनर ले रही हूँ एंड जहाँ मैंने कट क्रीज ड्रॉ किया था मैं उसी लाइन पे ये आईलाइनर लगा रही हूँ। इसके दो फायदे हैं, एक तो आपका जो आई मेकअप होगा वो बहुत ही क्लासी एंड अच्छा दिखेगा एंड दूसरा ये कि अगर आपका कट क्रीज मैसी हो रखा है तो ये उसे भी अच्छा दिखाने के लिए हेल्प कर देगा। सो अब हम स्टार्ट करें फेस मेकअप एंड उसके लिए मैंने यहाँ लिया है लैक मेकअप प्राइमर। एंड देन मैंने लिया है बटन वाइल्ड का ये फाउंडेशन। अब मैं फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी एंड आप जब भी फाउंडेशन ब्लेंड करते हो ब्लेंडर से या फिर ब्रश से तो आप उस पर उसे वेट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ब्रश से भी कर रहे हो तो उसे हल्का सा वेट कर लें। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ कंसीलर एंड इसे मैं अपने ओवरऑल हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे लगाऊंगी। मैं स्मॉल स्पंज की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। गाइस मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने कंसीलर को फैलाएं ना। देन मैं मेकअप लोशन का लूज पाउडर से इसे सेट करूँगी। देन मैं मेबलिन का कॉम्पैक्ट से अपने जितने भी एरियाज लेफ्ट हैं मैं उसे सेट कर लूँगी। सो मैं सारे पाउडर को डस्ट ऑफ कर रही हूँ। देन मैं ये ब्राउन शेड लूँगी फॉर द कॉन्टूरिंग। आप देख रहे हो मैं कितने अच्छे से कॉन्टूर कर रही हूँ। गाइस आप अगर ब्लेंड करेंगे ना तो आपके जितने भी मेकअप है वो बहुत ही अच्छे दिखेंगे, तो ब्लेंडिंग आप बहुत अच्छे से करेंगे। मैंने अपने चिक बोन्स को, फोरहेड को, चिन को, जॉ लाइन को अच्छे से कॉन्टूर कर लिया है। अब बारी आती है नोज़ की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेरे नोज़ बहुत ही ज़्यादा फ्लफी हैं। तो मैंने इसे ब्लेंड कर दिया है। देन मैं ये लाइट पीची शेड ले रही हूँ फॉर द ब्लश। मैं
डैब डैब करके इसे अप्लाई कर रही हूँ। मैं सेम टोनर से सारे मेकअप को फिक्स कर लूँगी। एंड देन फिर से स्टार्ट करते हैं आई मेकअप। एंड मैंने यहाँ दिया है मेबेलिन का मस्कारा। देन मेबेलिन की काजल एंड इसे मैं अपने वाटर लाइन को टाइट लाइन करूँगी। देन मैंने सेम पीची ब्राउन शेड लिया है ना, उससे मैं अपने ब्लरलेस लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ, देख सकते हो। देन मैंने लिया है ब्लैक शेड। एक फ्लैट पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं इसे स्मज कर रही हूँ अपने काजल के साथ। मैंने फॉल्सेस अप्लाई कर ली है। देन हम अप्लाई करेंगे हाइलाइटर एंड ये वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर है। तो इसे मैंने सारे जगह अच्छे से लगा लिया है। एंड आप अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। एंड डबल को लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ ये इलेक्ट्रो की डार्क मरून लिपस्टिक। मुझे इस ग्रीन आई मेकअप के साथ ये मरून शेड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये अप्लाई किया है। बट अगर आप चाहो तो आप इसे किसी भी कलर के साथ रिप्लेस कर सकते हो। सो या गाइस, दिस इज़ माय फाइनल लुक। आपको ये लुक कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। उसके बगल में जो बेल आइकन है आप उसे पे हिट कर दें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहें। सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।